में पानी देता है या मारू डंडा तेरी जमीन के पखे उधेर दू या तेरे आसमान को पुराने चिथड़े की तरह फाड़ दू। जाने वाले देता जा और मस्त कलंदर की दुआएं लेता जा। कौन आ रहा? कौन है? राग नाम भी दे दे। गंदे नाले में पड़ी हुई दमड़ी दांतों से उठाने वाला परले दर्जे का कंजूस मक्खी चूस मनहूस जिसने 12 बरस में मुझे एक दिरहम भी खैरात नहीं दिया। नई पुरानी सब दुआएं दे डाली लेकिन दमड़ी दीनार देना तो दरकनार। कमबख्त ने कभी दीनार के दीदार तक नहीं कराए लेकिन आज फकीर इस लकीर से आगे नहीं जाने दूंगा। जोंक की तरह चिमट जाऊंगा लाल हो या काला खून पीकर ही छोड़ूंगा। या अमीर दादा का बोल बाला सूंग का मुंह काला रोटी के बदले बोटी दूंगा और बोटी के बदले बकरा। दिन दहाड़े लुटा रहा हूँ लूट लो मैं कहता हूँ लूट लो। तेरे किस मनहूस का सामना हो गया सुबह सुबह? हम मनहूस के कहने का बुरा नहीं मानते सरकार। आज फकीर को मौज आ गई है ले जाओ ये तिलिस्म ले जाओ ये ताबीज ये गंडा ले जाओ। जहाँ जाओगे फतेह ही फतेह। तलवार चलाओगे तो मुठ हाथ में रह जाएगी जेब में रखते ही तिजोरी खाली हो जाएगी आंखों से छूते ही हुर्दी माशूक काली हो जाए। अबे क्या बकता है मांगता है देता। हुजूर आधी रात के ख्वाब की ताबीज मस्त फकीर की तकरीर पानी में इंसान की तस्वीर उल्टी ही नजर आती है। एक बार ये गंडा बांध कर तो देखिए और फिर देखिए हुजूर पतंग कट कर डोर हाथ में ना रह जाए तो मुझ पर लानत भेजिएगा। काहे को बदन से लिपट कर चला आता है तुझसे पसीने की बू आती है ढीक मंगा रास्ते की धूल। रास्ते की धूल का बच्चा अबे तेरे लिए हम रास्ते की धूल हैं मगर इस धूल के लिए हम अपने वक्त के शहंशाह शहंशाह एक ताज पहनता है हम पहनते हैं दो। हमारे दिन के ताज का नाम है सूरज और रात के ताज का नाम है चांद। आओ मेरी रियाया आओ ये देखो पत्थर का सीना चीर कर आग निकाली है उस कंजूस की जेब से थैली उड़ा दी है। अब हो गई शराफत की उस्ताद धंधे की कसम जन्नत से भी 40 मील आगे जाओगे। वाह उस्ताद मांगो आज क्या मांगते हो? अरे तेरे पास क्या है जो मुझे देगा? लो अपना अपना हिस्सा लो। लो पकाई थी खीर हो गया दलिया जर की जगह पत्थर मक्कार धोखेबाज। मगर उस्ताद मौत की भी तो एक दिन मौत है यानी के चोर के घर मुंह। मत कलंदर जाओ ये थैली लौटा दो ईमानदारी की यही आवाज है हम चोर हैं बेईमान नहीं। तौबा करो जी चोरी से ईमान में क्या फर्क पड़ता है? अमीर अमीर बाप धोखेबाज है ये है। अमीर अमीर आपकी ये थैली गिर गई थी मैं उठा लाया। क्यों बेटा अंगूर खट्टे निकले के बरखुर्दा जब मैं इस चोर बाजार से गुजरता हूँ तो 2 आंखें रखता हूँ और 2 पीछे के बेटा खांसी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और। मैं नकली माल यहाँ रखता हूँ और असली माल यहाँ ये देखो उचके बदमाश। हद हो गई शराफत की। ओ चिड़िया के गुलाम कयामत में खुदा को मुंह नहीं दिखाना भोले भाले शरीफों को धोखा देते हुए शर्म नहीं आती। मैं तो तेरे 1272 के चौके से पहले ही समझ गया था कि तेरे खाने के दांत और है और दिखाने के और। पर मैं इस बदमाश क्यों बे किसको गालियां दे रहा है? मैं तो हुजूर के बाल बच्चों की दुआएं दे रहा था। कोतवाल साहब आप इधर कैसे आ गए? पकड़ लो बदमाश को। तीसरा छोटा शैतान सामने आ गया। क्या कहा? कहा मैंने तो अर्ज किया कि मैं फकीर हूँ। मैं जानता हूँ तुम कौन हो
दिन को फकीरी और रात को चोरी, बता तेरा अवतार कहाँ है? उस्ताद तो अपना बंदा हाथ ही है। हमारे पास इतना बड़ा काम है जो तेरा अवतार ही कर सकता है। मिलेगा क्या सरकार? इनाम, बहुत बड़ा इनाम। हद हो गई शराफत की, लेके पूछ पूछ। आइए आइए। चाय सिपाही और कोतवाल साहब आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलो। अबे अबे डरते क्यों हो, मैं जो बैठा हूँ यहाँ तुम्हारा बादशाह, आने दो उसे मेरे शाही दरबार में। यहाँ अमीर फकीर शरीफ रजीव सभी तो फरियाद देकर आते हैं। आइए आइए सरकार, यही है हमारे महबूब, हमारे आका, हमारे मालिक, यानी के हमारे सरदार। अच्छा आप क्या कर रहे हैं कोतवाल साहब? आपने तो फरमाया था कि सरकार के फायदे का काम है, बहुत बड़ा इनाम है। क्या यही आपकी दुकान है? हद हो गई शराफत की। बहुत जल्द दावत कबूल करके लौट आएंगे, तुम अपना अपना धंधा जारी रखना है। कोतवाल साहब एक बात पूछूं? क्या है? सच बताना, दुल्हन गोरी है या काली? ले आओ तुम्हारे पीछे। हाँ सच्चा तू मार दो, हमें इज्जत के साथ ले चलो, हम फकीर सही मगर हैं अपने वक्त के बाद। क्या ले चलो, अगर मैं भूल जाता हूँ धक्का मत दो। अगर आऊंगा हो गई शराफत की। छोड़ दो इसे नूरे वाला, आपके हुक्म के बमूजब वो आदमी हाजिर है जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है, जो दिन का फकीर और रात का अमीर है, और ये सारे शहर में यूसुफ उस्ताद के नाम से मशहूर है। मैंने तुम्हारी बहुत शोहरत सुनी है। हुजूर की जर्रा नवाजी है, वरना गुलाम किस काबिल है। मैं तुम्हारे फन का कमाल देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे ऐसी खिदमत लेना चाहता हूँ जो सिर्फ तुम कर सकते। बहुत बड़ी खिदमत। हजूर बहुत बड़ी खिदमत का इनाम भी बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा इनाम होगा। हाँ। 10,000 सुर्ख दीनार। 10,000 सुर्ख दीनार? खुदा आपको खुश रखे, इतना बड़ा इनाम पाने के लालच में तो मैं फलक फलक तबक तबक को बरक बरक को गरक कर सकता हूँ। करीब आओ। हाँ करीब। हुजूर इतने बड़े काम के लिए अगर कुछ रकम पेशगी। ये लो 5,000 सुस्त दीनार, काम पूरा होने के बाद इतने ही और मिलेंगे। हुजूर हुजूर का इकबाल दूना हो, काम पूरा होगा और जरूर होगा। सुन लिया तो मेरी और तुम्हारी दोनों की खैर नहीं है।
काम पूरा हुआ अलीजा। शाबाश, खुदा को यही मंजूर था, क्योंकि वक्त से पहले किसी की मौत नहीं आती। अब मौत के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। शायद शहजादे की मौत इसी बहाने लिखी थी। बजा फरमाते हैं अलीजा। आज से 6 महीने पहले, जबकि शेरकंद के मरहूम बादशाह मेरे बड़े भाई अरसलान का इंतकाल हुआ और तुम सब ने मिलकर मुझे शाहजादा मुराद का सरपरस्त और मुल्क का हाकिम आला मुकर्रर किया, उस वक्त एक ही बात रह रहकर मेरे दिल में खटकती थी और मैंने और आपने मुझसे मदद मांगी और तुमने मेरी हमदर्दी करते हुए मुझे ये नेक सलाह दी थी कि दिल में खटकने वाली इस छोटी सी फांस को मौत की चुटकी से निकाल कर फेंक देना चाहिए। इसके लिए गुलाम ने अपनी खिदमात पेश कर दी, कांटा निकल गया। कल सुबह मैं अपनी आंखों में रंजो गम के आंसू लिए हुए दूध पीते शाहजादे मुराद की मौत का ऐलान कर दूंगा और ये इजहार करूंगा कि शाहजादे की बेवक्त मौत के सदमे ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं शेरकंद की सलामती के लिए शाही ताज पहनकर मुल्क और काम की खिदमत करूं। कितनी शानदार मजबूरी है अलीजा, जिसके लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके सिले में कल तुम्हें भी वजीर आजम का ओहदा पेश किया जाएगा। शुक्रिया अलीजा। लेकिन उस चोरों के सरदार शहजादे के कातिल का क्या होगा? उसका इंतजाम हो चुका है अलीजा, कल सुबह तक वो भी शहजादे के पास पहुंचा दिया जाएगा। आफरीन, इस खुशी के मौके पर शाही अंगूठी अपनी उंगली में पहन कर महसूस करता हूं कि मैं शेरकंद का बादशाह हूं। कैसा फूल सा बच्चा है अब्बा? एक दिन में ऐसे 10,000 फूल पैदा हो सकते हैं, लेकिन 10,000 अशरफियां नहीं। जी में आता है कि इसका गला घोंट ही दूंगा। कैसी बातें करते हो अब्बा, इतना खूबसूरत और प्यारा प्यारा बच्चा, आप इसे मार देंगे? नहीं अब्बा नहीं। एक मुसीबत गले पड़ गई है, समझ में नहीं आता क्या करूं। देखो अब्बा कैसे प्यार से देख रहा है, इसकी नाक, नाक नक्शा, होंठ ठीक हमारे जमींदार की तरह है। तू ठीक कहती है शकीला, वाकई इसका नाक नक्शा बिल्कुल हमारी जमीला से मिलता जुलता है। अगर मैं दुनिया से कहूं कि ये मेरा बेटा है तो लोग इसे मेरा बेटा ही समझेंगे। इस शहजादे में आज से तू शहजादा मुराद नहीं बल्कि मेरा बेटा है सलीम। है? सलीम मैं इसे शिमू कहकर पुकारूंगी। मेरा और जमीला का भाई शिमू। शिमू ओ शिमू। मगर ये निशान, मगर ये निशान कैसा है अब्बा? सल्तनत शेरकंद का शाही निशान बेटा, ये शेरकंद का शहजादा है मगर अब बड़ा होकर चोरों का शहजादा बनेगा। इसकी आंखें चील की तरह तेज और बाजू शेर की तरह मजबूत होंगे। हाँ मगर इस निशान पर किसी की नजर पड़ गई तो इसकी और मेरी दोनों की खैर नहीं। इस निशान को जमीला के कंगन से छुपा दो अब्बा। शाबाश शाबाश शाबाश, ला बेटा कंगन दे दे अपना। तो बढ़िया कंगन दे है। अभी किसी को नजर नहीं आएगा। ये तो ठीक है, फिर भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। सुबह होने से पहले हमें शहर को छोड़ देना चाहिए, समझी? चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो रवानगी की। चलो 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 आओ बेटा जमीला। Thank you.
कईयों दिनों महीनों की राहों से गुजरता हुआ 18 साल की मंजिलें तय कर गया। नन्हा शहजादा मुराद यूसुफ के साये में पलकर जवान हो गया और यूसुफ उसे अपने साथ लेकर फिर शेरकंद वापस आ गया। बेटा दुआ करने तैरते तैरते दूर चला जाए और हम इसके कपड़े लेकर चंपट हो जाए। मगर यार ये नहाने का कौन सा वक्त है? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है ये शाही खजाने में दाखिल होना चाहता है। खजाने में? अबे 3 बार पानी की गहराई में नीचे नीचे तौर कर खजाने तक पहुँचना और फिर जिंदा लौटाना, खाला जी का घर नहीं है। तब तो इसके बदले इसकी लाश ही पानी में तैरती नजर आएगी। तू देखते जाओ क्या होता है। इस थैली में से उसमें डाल दो ताकि हिसाब में गड़बड़ ना हो, समझे? अरे कमबख्तो मैं मर गया तो तुम्हें कौन संभालेगा? हमारी किस्मत की तरह इसके हाथ भी खाली है। मेरे ख्याल में खजाने में घुसना तो दरकिनार, ये खजाने तक पहुंचा ही नहीं। अबे खजाने तक पहुंचना आसान काम नहीं है, लेकिन इसकी मदद हमें मिल जाए और ये अपना हिस्सेदार हमें बना ले तो हम बहुत आसानी से खजाना खाली कर सकते हैं। जीता रखे। और तुम लोग, तुम्हारी कौन के नाम पर फर्जन?
ये बकरे उठाई गिरा गिरा कर जनाब काबू और मैं बादशाह चोर चपट घर का घर उलट पल है। मेरा नाम है हाजी। ये लो अपने कपड़े उठे, जब तक तुम वापस नहीं आए हम इनकी निगरानी करते रहे। हमदर्दी का शुक्रिया। शक्कर से तो पाजी लेकिन बातों से शरीफ मालूम हूँ। कुछ भी हो दोस्तों, वक्त आने पर दमड़ी का बदला दिला से चुकाऊंगा। भागो भाग में कौन हो तुम, पीछा करो इसका। अपने शबाब पर है, शबाब अपनी बहार पर है, बहार अपने निखार पर है। तारे निसार होते हैं इस महजबीन पर, चांद आसमान का उतर आया जमीन पर। झूठी खुशामी, कहाँ चांद और कहाँ हम। हुस्न की मलेका को सोलह सिंगार पेड़ देखकर चौधरी का चांद भी शर्मा रहा है। सच पूछो तो सफेद रंग के फीके चांद में ये रंगीनी कहाँ, ये सुनहरे बाल, ये फूल से गाल, ये शरबती आंखें और ये अदाओं नाक की बच्चियाँ चांद को कहाँ मिले से। अरे खुशामलिया, तुम्हें ये मेरी तारीफ करना किसे सिखा है। जी हुस्न के ठेकेदार से। कौन है ये ठेकेदार। ये आईना सरकार, इस आईने में आपका हसीन चेहरा ऐसा मालूम होता है जैसे चांदी के झरने में बहता हुआ सोने का फूल। ये आईना भी तुम्हारी तरह खुशामदी है। अरे ये तो बताओ, कल अपने मरने के मौके पर हम कौन सी जवाहरात पसंद करें। हीरा हजूर, हीरा। हम यकीनन हीरा पसंद करेंगे क्योंकि उसकी किरणों में उस आग की तड़प है जिसकी इस उम्र में मेरे होने वाले शोहर को जरूरत है। वो रहा, भागो पकड़ो। इतनी कमाई होते हुए भी जी नहीं भरता, दिल चाहता है कि और दौलत जमा करूं। दौलत ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, चाहे चोरी से मिले, बेईमानी से मिले, ईमानदारी से मिले, जिस तरह भी मिले मगर दौलत मिले। ये लो। लेकिन अब्बा, जब खुदा हमको इतना कुछ दे रहा है तो चोरी करने की क्या जरूरत है। तुम तो जानती हो जमीला, ये दौलत हम अपने लिए नहीं बल्कि शिमू के लिए जमा कर रहे हैं ताकि शहजादे शिमू को उसका तख्तो ताज वापस दिला सके। इस काम के लिए फौज की जरूरत है, फौज के लिए तनख्वाह की जरूरत है और तनख्वाह के लिए दौलत की जरूरत है। इंशाल्लाह खुदा आपको इस नेक काम में जरूर दिला करे। सिपाही मेरे पीछे लगे हुए हो, बेटा जल्दी नाच गाना शुरू करो। लड़कियों
चोर जहाँ पर नहीं आया सरकार। अबे अंधे, जहाँ रोशनी होगी वहाँ अंधेरा कैसे आ सकता है? जहाँ खाकान जैसा जवान मर्द शेर दिल बैठा हो वहाँ चोर आ सकता है? हो सकता है सरकार, तुम्हारा सर हो सकता है। जाओ निकलो यहाँ से, जेल खाने की बदबू आ रही है तुम्हारे कपड़ों से, दबाओ जाओ। बहुत अच्छा गाती हो, बेहतरीन नाचती हो, क्या नाम है तुम्हारा? मुसीबत जान। बहन का नाम? आफत जान। माँ का नाम? कयामत जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, घर का घर आफ्ताब है, एक से एक लाजवाब है। आओ मुझे तो अपने सदके का बकरा बना लो। तो फिर बकरा ही तक ठहर जा। अरे क्या हुआ? पाँव में मोच आ गई। खड़े खड़े ये नाजुक नाजुक पाँव दुख गए होंगे। आओ आओ मेरे पास बैठ जाओ। नहीं नहीं, अब क्या हुआ? दूसरे पैर में मोच आ गई। कितनी नाजुक हो, जी चाहता है जूतियों समेत तुम्हें आंखों में बिठा लूं। सरकार लो फिर आ गए नाबकार, बको क्या बकते हो? हजूर को वजीर साहब ने याद फरमाया है। है तेरा सत्यानाश हो, सूंघने भी हम न पाए थे कि वो गुल उड़ गया, रह गई हाथों में टहनी और बुलबुल उड़ गया, घर बनाने से पहले ही आंधी आ गई। माफ करना बेगम, मजबूरी लिए जा रही है, कल अंधेरा होते ही फिर आ जाऊंगा। चलो दफाओ। तकलीफ। तकलीफ। उई कार तो छोड़ो, हुआ क्या? हुआ क्या? ये नाच जाकर तू कोतवाल को अड्डे लगा रही थी। अरे ये तो मैं उसे बेवकूफ बना रही थी, डरती थी वो कहीं तुम्हें पकड़ ना ले, मगर उसने तो कछुए की तरह हाथ पांव निकालना शुरू कर दिए। बात तो कुछ समझ में आती है। इसीलिए तो सांप के सामने बीन बजाने लगी। सांप चाहे जितना जहरीला हो लेकिन बीन की जादू भरी आवाज पर जरूर मस्त हो जाता है। जनाब में अच्छी तरह ये यतीम खाना, मेरा मतलब है गरीब खाना देख लिया ना सरकार? इतनी अच्छी तरह से देखा और सुना के मजा आ गया। ये गरीब खाना कहाँ, ये तो दौलत खाना है, और वो भी शरीफों का जनाब, शरीफों का। शरीफों का, मतवालों का, दिलवालों का, दीवानों का। ये क्या फरमाया? बहुत खूब है, बस तारीफ नहीं हो सकती, बहुत शरीफ है आप। जी चाहता है चोर रोज यहाँ आया करे और मैं रोज उसे ढूंढने आया करूँ। जी पहले मैं चोर को ढूंढने आया था, अब अपने आप को ढूंढने आया करूंगा। तो क्या आप चोरी हो गए हैं? हाँ। कहाँ? आशिक की आह में, हुस्न की निगाह में, मोहब्बत की राह में, इश्क की पनाह में, माशूक की जलवा गाह में। है तेरा बेड़ा गर्क, उल्लू की दुम, कवायद करते करते शायरी करने लग गया है। प्यार करता है दिल में असर, चुपके चुपके दिल को होती है दिल की खबर, चुपके चुपके। वो आरज कितनी खुशनसीब जिसके हुस्न का जादू तू पर चल गया। उन फूलों की खुशी का क्या ठिकाना जिनकी रंगीनी और महरी तुम्हें भमरे की तरह मस्तों बेखुद कर दिया। शिमू, शिमू, शिमू। हाँ बेटा, अब जरा फुर्सत से बताओ कि क्या हुआ, तुम किले की दीवार पर चढ़ने में कामयाब तो हो गए ना? दीवार पे चढ़ के किले के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन खजाने तक ना पहुंच सके। क्यों? एक तो वहाँ पाली बसकर कुत्तों की तरह शोर मचा रही थी, दूसरे खजाने का रोशनदान लोहे की सलाखों से ऐसा बेढक बना हुआ था कि मेरे अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन था। सलाखों का दरमियानी फासला कितना था? इतना होगा जिसमें मुश्किल से मेरा सर जा सके। ये तो बहुत कम रास्ता है, कुछ अकल काम नहीं करती कि क्या किया जाए, क्योंकि खजाने के बगैर फौज, फौज के बगैर लड़ाई और लड़ाई के बगैर तुम्हारा हक मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। ये तो ठीक है अब्बा, लेकिन तुम आज इतने परेशान क्यों नजर आते हो? किले की दीवार फांदते वक्त कहीं चोट तो नहीं आई? देखो बदन पर नहीं अब्बा, किसी की आंखों ने मेरे दिल पर चोट पहुंचाई। क्यों अब्बा, हमारे यहाँ चचेरी बहन से शादी करना जायज है ना? चचेरी बहन? या खुदा, क्या तुमने शहजादी गुलनार को देख लिया? बेवकूफ ना बनो, वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है। लेकिन मैं क्या करूं अब्बा, मजबूर हूँ। हंसते हुए गए और रोते हुए वापस आए। अरे
सुभान अल्लाह, सांस लेती हुई खुशबू, सुबह के सूरज की तरह लाजवाब हुस्न। यही है मेरी नूरी नजर, आपकी कनीज। कनीज? नहीं, हुस्न की मलिका, फूलों भरी डाली की तरह नर्म नाजुक, संगे मरमर के बुत में तराशी हुई कयामत। अंदर तशरीफ ले चलिए आलीजा। नूर चश्मे, शाहजादा मराकश जलवा फरोज हो रहे हैं। तस्लीमा। जिंदाबाद हसीनों की सरताज और हूरे आत्माने। जमाने का दस्तूर है कि जब कोई अपने शरीक जिंदगी पसंद करने आता है तो उसकी रूनुमाई में कोई ना कोई कीमती तोहफा जरूर नज़्र करता है। हमारे मुल्क मराकश का भी यही रिवाज है। मैं मलिका हुस्न को दुनिया का हसीन तरीन तोहफा पेश करता हूँ। कबूतर के अंडे के बराबर ये बेशबहा मोती, अनमोल मोती। मोती, सचमुच ये मेरी हसीन तरीन पसंद है। बिस्मिल्लाह, कबूल फरमाइए। 1200 साल से ये मोती हमारे खानदान की अजीमुशान यादगार है। हमारे बुजुर्गों से यही दस्तूर चला आता है कि ये मोती सिर्फ उसे पेश किया जाए जिसे शाहजादा अपने रफीक जिंदगी बनाने के लिए पसंद करे। मैं इस मोती को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगी। मुझे यही उम्मीद है, क्योंकि एक और रिवाज हमारे खानदान में चला आता है, यानी शाहजादे का दिया हुआ ये मोती मलिका उसे नजर करती है जो अपने बाप का जानशीन हो, यानी मलिका का पहला बेटा। हया की लहरों ने आसमान में हुस्न को सुनहरा कर दिया। बहुत हसीन हो मेरी मलिका, मुझे यकीन है कि इस बेशबहा मोती को अपने हुस्न और जमाल की तरह अजीज रखूंगी इंशाल्लाह। इजाजत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई मामूली हादसा नहीं, तारीख का बहुत बड़ा वाकया है। आप उस मोती की अजमत से वाकिफ नहीं, वो मोती हमारी सल्तनत का ताज है, हमारी हुकूमत का निशान है। जिसके कब्जे में वो मोती होगा वही मराकश का असली बादशाह कहलाएगा। आपकी गफलत और लापरवाही ये साबित करती है कि आप किसी चोर को मराकश का बादशाह बनाना चाहते हैं। नहीं आलीजा, ये नामुमकिन है। बल्कि ये मुमकिन है कि चोर उस मोती की हकीकत से वाकिफ हो और मराकश से आलीजा के साथ लगा हुआ चला आ रहा हूँ। ये कहकर आप मोती की तलाश में लापरवाही बरतना चाहते हैं। या तो मोती तलाश कीजिए, वरना याद रखिए ये हमारी आपस की जबानी बातचीत और जबान शमशीर से होगी। नहीं नहीं आलीजा,
इतना गुस्सा न फरमाइए, मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए। शहजादी के सरे अजीज की पसंद, मैं वादा करता हूँ कि उस अनमोल मोती की तलाश में जमीन और आसमान एक कर दूंगा, और जब तक उसे हासिल न करूंगा चैन से न बैठूंगा। मैं नया चांद निकलने तक फिर वापस आऊंगा, और अब की बार मेरे साथ मेरी तमाम फौजें भी होगी, आग बरसाने वाली तोपें भी होंगी। अगर उस वक्त तक आप मोती ढूंढने में नाकामयाब रहे तो मुझे खुदा की अजमत और जलाल की कसम शेरखान की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और आपकी तमाम शान और शौकत को हाथ में मिलाकर आपको दद्दर का फकीर बनाकर छोड़ूंगा। अब्बा हुजूर, अब नरमी और अहम दिली से कामयाबी ना होगी, आप अपने तमाम गुस्से और गजब को काम में लाइए। ऐसे ही होगा नूर चश्म, मोती को दोबारा हासिल करने में मैं कोई सजा, कोई ज्यादती, कोई जुल्म उठाना रखूंगा। मोती न मिला तो इससे पहले कि शहजादा हैदर हमला करे, मैं खुद अपने गुस्से की आग से तमाम मुल्क शेरकन को जलाकर खाक स्याह कर दूंगा। अपने महल में वापस जाओ। यूसुफ दरे दौलत पर हाजिर है अलीजा, पेश करो। ओ, तो तुम ही हो वो चोरों के सरदार? कभी था जरूर आलीजा, लेकिन मुद्दत हुई मैंने इस जलील पेशे को छोड़ दिया है। तुम जानते हो तुम्हें यहाँ आज किस लिए बुलाया गया है? बाजार में अफवाह गर्म है कि शाही महल से एक अनमोल मोती चोरी हो गया है, लेकिन मेरे आका, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि मैंने वो मोती या उस किस्म का दूसरा कोई मोती आज तक नहीं देखा। तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाता, लेकिन बड़ों का कहना है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर ही की मदद लेना चाहिए। अगर तुम उस मोती को ढूंढ कर ले आओ तो 5,000 सुर्ख दीनार इनाम मिलेगा, और अगर मोती के साथ मोती के चोर को भी पकड़ कर लाओगे तो 5,000 सुर्ख दीनार और मिलेंगे। 10,000 सुर्ख दीनार, इतनी दौलत, या अल्लाह, जवानी कदम, इतना बड़ा इनाम हासिल करने के लिए तुम अपने सर को भी खतरे में डाल सकता हूँ। तुम्हारा सर तो अब भी खतरे में है, अगर नया चांद निकलने तक वकीम की मोती न मिला तो याद रखना सबसे पहले तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मेरा सर आलीजा, अब तुम जा सकते हो। मेरी लाश पर रो तो सही। बात क्या है, बात कुछ बताओ तो सही। तुम्हें बादशाह साहब ने
बुलाया था ना? बादशाह ने नहीं, मलकुल मौत ने बुलाया था। तभी तो जिंदा लौट कर नहीं आ सका। अब्बा तुम शाही महल गए थे ना, तुमने शहजादी गुलनार को देखा? अरे तुझे ये लादी गुलनार की पड़ी है, यहाँ गर्दन के पीछे मौत खड़ी है। हाँ हाँ मौत, शाही महल से मोती चोरी हो गया है। सुल्तान ने हुक्म दिया है कि अगर नया चांद होने से पहले पहले वो मोती वापस नहीं मिला तो वो जालिम मेरा सर इस गर्दन से उतार लेगा। रख ली, रोना बंद करो, अभी तो तुम्हारा सर सलामत है अब्बा। लेकिन कब तक, आज नहीं तो कल ये पके हुए तरबूज की तरह जिंदगी की बेल से काट लिया जाएगा। बेटी शकीला, एक प्याला कहवा तो लाओ, दफन होने से पहले गर्म होके तो मरूं। अब्बा मुझे चोर को पकड़ने की तरकीब सूझी है। शाबाश, बोल तू ही कुछ बोल, मेरा तो दिमाग पिलपिला हो गया है। सुनिए, बजाय इसके कि हम चोर को ढूंढे, अगर चोर खुद हमें ढूंढता हुआ यहाँ चला आए तो? वो कैसे? अरे बाहर मेरे उड़न खटोले, तरकीब क्या निकाली है, तकदीर की तहरीर पढ़ डाली है। क्या सुनहरी फंदा है जिसमें चोर तो क्या, चोर का बाप भी फंसे और फिर फंसे। देखो भाइयों, गौर से देखो, ये काली मुर्गी का सफेद अंडा नहीं, हीरा है, हीरा। ये हीरा रिश्ते में कोहिनूर हीरे का ताला है। इसकी बहन का नाम था नूरी और इस हीरे का नाम है नूरू नूरू। मगर ये कैसे मालूम हो कि ये असली हीरा है? पहले से खरीदो, तोल कराओ, मोल कराओ, फिर झोली के पास ले जाओ, ठोको बजाओ। फिर भी यकीन ना आए तो ठंडे पानी में गर्म शोरबा मिलाकर इसे निकल जाओ। पेट में जाते ही जन्नत की बहार लूटोगे। जवानी का समाहर मैं भी तो कुछ हूँ। मैं जानता तुम क्या हो। मेरी भी तो एक बात सुनो दोस्त। जुबे की रात को ये हीरा बगैर किसी का इंतजार किए नीलाम कर दिया जाएगा। चिराग चले मेरा, हिस्सेदारी हमसे की, मोती का पता हमने बताया, तुमने उसे महल से अकेले ही उड़ा लिया। हिस्सेदारी गई तो गई, हमारी दल्लाली में गए। मैंने महल से कोई मोती नहीं उड़ाया सर, भाग जाए। कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं, मगर याद रखो अकेले खत्म ना होगा, एक दिन पछताओगे, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। हाँ, हर हार एक इसका मालिक बन सकता है, जिसकी जेब में खनखनाते हुए दीनार हो, जिसके सीने में उछलता हुआ दिल हो, वो इसे जुमे की रात को खरीद सकता है। मोती, प्यारा मोती, दिलारा मोती, महापारा मोती है। तुम लोग चीकू के साथ क्या सुलूक करोगे?
कानून के मुताबिक तेरे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। दोनों हाथ? हाँ हाँ दोनों हाथ, और मेरे दोनों हाथ अशरफियों से भर दिए जाएंगे। आज मिट्टी की हंडिया में शाही खाना पकाओ, गुलाब से आटा गूंदो, हल्दी की जगह ज़ाफ़रान डालो और मुझको उम्र का दीवाना निकालो, इस हमदल का इत्र कहवे की प्याली में डालो। जवानी कसम आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। मैं ये मोती शहजादी गुलनार को दूंगा। क्यों देंगे आप? मैं इसे बादशाह की खिदमत में पेश करूंगा। 5,000 अशरफियों की मुस्कुराहट एक जवान औरत की हंसी से ज्यादा खूबसूरत होती है बेटे। अब्बा 5,000 अशरफियां चोर को गिरफ्तार करने की भी तो मिलेंगी। अब्बा ये तो खजाने की सलाखों से तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। कबूतरी काम की है, इसे दाना डालना चाहिए। अरे सर्दी न लग जाए कहीं, इसे बालों वाला कंबल लाओ, बुलबुल के परों का बिछौना बिठाओ। हाँ हाँ मुंह क्या तक रही हो, जहां जाओ गर्म गर्म कहवा लाओ इसके लिए। अब्बा इन नर्म नाजुक हाथों को देखो, कितनी बुरी बात है इन्हें काट दिया जाएगा। उस मर्दूत पर कयामत की बिजलियां गिरे जो दिल में ऐसा ख्याल भी लाए हैं, मुझसे तो ये नहीं देखा जाएगा। लेकिन अब्बा वो इनाम? अरे 5,000 दिनार चीकू पर कुर्बान, सुना नहीं तुमने? एक के बदले खुदा 10 देता है। चीकू को अफसोस है कि चीकू ने तुम्हारा हीरा चुराने की कोशिश की। पगली वो हीरा नहीं कांच का टुकड़ा था, चोर को पकड़ने की तरकीब। तरकीब थी? कांच का टुकड़ा था? तुम्हारा नाम क्या है? शिमू। चीकू को तुम्हारा नाम पसंद है? लो एक कावा पी लो कावा। शिमू अब तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में समझो। चीकू हमारे घर में खुदा की रहमत बनकर आई है। मैं कहता हूँ ये औरत नहीं बल्कि हमारे सुनहरे ख्वाबों की ताबीर है। बस इससे काम लेना तुम्हारा काम है। ये कौन सी मुश्किल बात? अभी वो बच्चा है, नादान है, जो चाहूंगा करा लूंगा। ना जाने किस बेवकूफ ने तुम्हारी परवरिश की है। अरे बेटा चिंगारी और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे जमीला इसे नए कपड़े तो पहना दिए होते। मेरी तोबा ये लड़की है बला, इसने कपड़े तो दिए थे लेकिन कहने लगे तुमने नहा, नहाना कोई जिंदगी है? चीकू ने 6 महीने से अपने बदन पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरने दी और न गिरने देगी, इसलिए इसने कपड़े छीन लिए। चीकू ने कहा ले जाओ, हमारी तो जान तक आ गई है। ये औरत है मुसीबत, ये हमारे बस का रोग नहीं है, इसे तो तुम ही संभालो। तुम आओ आओ चीकू इधर आओ, मैं और शिमू तुमसे बात करना चाहते हैं। नहाने की? नहाने की नहीं, खाने और कमाने की। दुनिया में और भी तो बातें होती। कहाँ से शिमू अंदर जाएगा? कैसा नक्शा? अपनी किस्मत का कहो या हमारी तकदीर का। और यहाँ है वो दरवाजा जो अंदर से बंद है, और ये है वो रोशनदान जिसकी सलाखों से गुजर कर तुम्हें अंदर जाना होगा। अच्छा तो तुम लोग खजाना लूटते हो? आहिस्ता बोल आहिस्ता, हवा के भी कान होते हैं। चीकू सारी दुनिया को बता देगी। दादा बता दे मर। चीकू को बाजार से चीजें ले दोगे, चीकू किसी से नहीं कहेगी। कैसी चीजें? जो चीकू पसंद करेगी और उनके दाम तुम दोगे। कुंभक कहेगी। अब्बा ये हमें वहां मरवाएगी जहां पानी ना मिले। घबराने की बात नहीं, तुमने तो कहा था ये नादान है, बच्ची है। बच्चों के तोहफे औरत की फरमाइश की तरह लंबे चौड़े नहीं होते। इसे बाजार ले जा, कुछ खिलौने मिलौने दिला देना और औने पौने समझा देना। चिकू बस और कुछ नहीं खरीदना, मैं बहुत थक गया। लेकिन चीजें नहीं दिखी। अच्छा ये बताओ तुम चीकू को इस दुकान से कौन कौन सी चीजें खरीद कर दोगे? कुछ नहीं, ये देखिए। चीकू को ये नहीं चाहिए, चीकू को जूती चाहिए, जेवर चाहिए, कपड़े चाहिए। ये
ये देखिए बानू, ये नहायत कीमती कपड़ा है। इसका नाम है दरबख। कमबख नहीं, दरबख। अगर शहजादी गुलनार इसे देख पाए तो मुंह मांगे दाम देकर खरीद ले। चूल्हे में गई गुलनार, क्या चीकू से कुछ कर दे? शिमो, चीकू ये कपड़ा जरूर खरीदे। क्या दाम है इसके? पांच दिनार। पांच दिनार? बाप रे, नहीं चाहिए, इतनी महंगी चीज कौन खरीदेगा? चाची को वापस चले। चीकू नहीं जाएगी। चलती है कि नहीं? मैं तुम्हारे दान उखाड़ कर फेंक दूंगी, नहीं तो सब मुझे खरीद कर दो। कपड़े, जेवर, जूती, सामान, बहुत सा सामान। बोलो लेते हो? हाँ हाँ हाँ, जंगली बिल्ली, लेकिन मेरे कान तो छोड़। चीकू भी बहुत कुछ लेगी। आप होगा सिंबा, आपके जूड़े, बोलो कहते हैं कपड़ों का का। अरे तो तोहफे लेने आई है, आपने दहेज का सामान खरीद रही। चल मर भी, अब मैं और कुछ नहीं लेने का। और कुछ नहीं लेने का, तू ठहर जा। चीकू सारी दुनिया को चीज चीज से बताती है कि तुम लोग खजाने में। अरे अरे ठहर ठहर, इस पर खुदा की मार, चुप बस चुप। मैं तुझे सब कुछ खरीद के देता हूँ। अब हम दोनों सुलह कर ले। तेरा जो जी चाहे तू खरीद ले, मैं भी अपनी पसंद से तेरे लिए एक तोहफा लेके आता हूँ। चीकू तुम्हारा तोहफा जरूर पसंद करे। आइए आइए, ये देखिए, आप ये देखिए, ये मखमल का कुर्ता, ये जरी का दुपट्टा। अरे अरे, ये क्या कसम कर रही है? मैं देखो, तुमने तो दुकान को अस्तबल बना दिया। नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं, ये बहुत महंगी है। चुप रहो जी, चीको खुद पसंद कर लेगी। तुम दुकान के बाहर खड़े हो जाओ। जाओ बेगम, यहाँ से जाओ। या खुदा, आज किसका मुंह देख कर आया? मैं कहती हूँ तुम बाहर चले जाओ। और तुम चीजों का सत्यानाश करती रहो। अरे क्यों मेरी रोजी में आग लगा रही हो? क्यों मेरा बेड़ा गर्क कर रही हो? खुदा के लिए बस करो, बस करो। बाहर आया मैं ऐसे गाहक से। अरे रहने दो। तुम्हारे कासिद ने खबर दी है कि तुम्हें वो मोती मिल चुका है। सरकार खुद चलकर यहाँ तक आए। हुजूर ने किसी मुलाजिम को भेज दिया होता, गुलाम सर पर पांव रखकर बकन खुद हाजिर हो जाता। जवानी कसम, आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बैठ जाओ। बैठ गए सरकार। कहाँ आ रहा मोती? मोती सरकार, आ रहा मोती, आ रहा। ये आया मोती सरकार। हुजूर ये हाथ ही बड़ा बरकत वाला है। मिट्टी में डाल दूं तो सोना हो जाए, ऊंट के सर पर रख दूं तो बोना हो जाए। जवानी का ये क्या बेहूदा हरकत है? हरकत बरकत नहीं सरकार, माल की रसीद मिल जाए ताकि गुलाम शाही खजाने से इनाम हासिल कर सके। तुम्हें वजीर आजम पर एतबार नहीं? आजकल तो चोर भी चोर का एतबार नहीं करता सरकार, और फिर बड़े लोग तो आखिर बड़े लोग होते हैं। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। लीजिए सरकार। अच्छा तो अब ये बताओ कि इस मोती को चुराने वाला चोर कहाँ? चोर? ओ हुजूर, चोर तो बंद पर तेल लगाकर आया था, हाथों से फिसल कर निकल गया। सरासर झूठ, बहतान। तुम जैसे चोरों के हाथ से वो चोर कैसे जा सकता था? तो हुजूर वो चोर कहाँ था? वो तो शैतान का आसमानी आफत। उसने 18 हाथियों की ताकत, उसकी आंखें जैसे अंगारे, उसकी सांसें जैसे शरारे। लेकिन हुजूर, आपका गुलाम भी जान की बाजी लगाकर उससे रात भर लड़ता रहा। लेकिन इतनी लड़ाई हुई और तुम्हारे बदन पर कहीं चोट का नामो निशान तक नहीं? हाँ, ये सरकार देखिए देखिए, ये चोट अंदरूनी लगी है सरकार। 2.5 पसली का हाथ भी, उस पर भी गरीब की 1.5 पसली गायब हो गई है। रीढ़ की हड्डी टूटते टूटते मोच खाकर रह गई है। बयान पुर दर्द है, लेकिन कहाँ तक सच है ये खुदा ही जाने। कबूतर का शोरबा पियो नौजवान, अच्छे हो जाओगे। इतना तो बताते जाइए सरकार कि मैं इनाम लेने के लिए कब हाजिर हो जाऊं। शुक्र करो तुम्हारा सर सलामत है, यही बहुत बड़ा इनाम है। आए? शिमू, ये उल्लू का चरखा क्या कह गया है? कहीं आपने को धोखा तो नहीं दे गया? आप घबराते क्यों अब्बा, हमारे पास रसीद मौजूद है। मैं फरियादी बनकर बादशाह से अपना हक मांगने जाऊंगा। ओहो, अब क्या होगा? जवानी कसम, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
अरे चीकू, कसना आज तो बड़ी जच रही हो, कहाँ गिरेगी ये बिजली? बिजली? ईमान नहीं छोड़ूंगा, अगर इन आंखों ने शहजादी गुलनार को ना देखा होता तो मैं यही समझता कि मेरी चीकू जमीन की बेटी नहीं, आसमान का तारा या जन्नत की हूर है। चूल्हे में गई गुलनार, बाहर में जाए तुम्हारी आके चीकू तुम्हें जान से मार डालेगी। जान से मार डालोगी? शीमू कहाँ मिले? गरीब परवर बादशाह की उम्र दराज हो, आली जा का दौलत इकबाल दूना हो, हुजूर पर खुदाए पाक की रहमतों का साया रहे। और तुम पर भी, तुम्हारे चेहरे की हंसी, आंखों की खुशी, रफ्तार और गुफ्तार, ये सब कह रहे हैं कि तुम कामयाब आए हो। उस गौहर मुराद को हासिल करने में मुझे इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी, इतनी जाफिशानी उठानी पड़ी कि मैंने गर्मियों की कड़कती हुई धूप की परवाह न की। मैंने चील की आंखें लेकर उसे हर तरफ और हर जगह तलाश किया और आखिर वो मोती मिल गया। मोती कहाँ जा सकता था अलीजा, हुजूर का हुक्म और हुजूर का वजीर ये दोनों एक ही चीज है, फिर भला मोती जा सकता था? मोती ना मिलता तो मैं सारी दुनिया में अपने आम न कर डालता। हाँ हाँ वो तो सब ठीक है, मगर मोती तो पेश करो। जी हाँ अलीजा, मोती तो ये क्या रखा है मेरी जेब में, लीजिए लीजिए हाजिर है, पेश करता हूँ। खुदा हुजूर को दौलत दुनिया से माला माल कर दे, हुजूर के दुश्मनों को पामाल कर दे, हुजूर के दोस्तों को निहाल कर दे। ये क्या? अरे वो तो नहीं है, खुदा की हजार नानते हूँ, शैतान पर जिसने मेरी जेब काट ली, मैं लुट गया अलीजा, हुजूर के सामने मेरा मुंह काला हो गया, मोती नहीं है। मोती नहीं है? तुम कहते हो किसी ने तुम्हारी जेब काट ली? फरेबी झूठे, अगर वो मोती नहीं मिला तो हम गर्दन से तुम्हारा सर काट लेंगे। जी जी खुदा गवाह है मैंने झूठ नहीं बोला अलीजा, मैं बहुत नादिम और शर्मिंदा हूँ, हुजूर के कदमों की कसम ये सब कुछ मेरे मातहतों की गफलत से हुआ है। ओ अंधे, अरे ओ अंधे की औलाद, ऐसी चलती छा गई तुम्हारी आंखों पर, तुमने साथ साथ रहे किसी जेब कटने में मोती उड़ा लिया और तुमने उसे पकड़ा तक नहीं, तुम छकमा कर रहे मेरे साथ। जाओ शहर के हर चोर हर बदमाश हर जेब कटने को मेरे सामने ले आओ, मैं उन सबका खून पी जाऊंगा। जाओ मिलो। बंद करो ये फजूल बातें, शहजादा हैदर शेर खान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और तुम अभी तक चोरों और बदमाशों को गिरफ्तार करने लगे हुए हो। नहीं नहीं अलीजा, मेरा मतलब है कि मोती के असली चोर यूसुफ और शिमू गिरफ्तारी के डर से मोती को लेकर भागने की कोशिश करेंगे और शहर के हर नाके पर मेरे बेहतरीन जासूस मौजूद हैं, उन्हें गिरफ्तार करके मोती हासिल कर लिया जाएगा। खानाबाद दौलत ज्यादा, हुजूर वाला यूसुफ का बेटा शिमू दरे दौलत पर हाजिर है। यूसुफ का बेटा? शायद इसके आने में कोई राज है, उसे हाजिर करो। अलीजा का नैयर इकबाल जिंदा रहे, मुल्क की किस्मत का मालिक हशर तक जिंदा रहे। हम तुम्हारे आने का मकसद जानना चाहते हैं। मैं फरियादी बनकर आया हूँ अलीजा, अपने मुल्क के नौशरवा आदिल से इंसाफ चाहता हूँ। हमारा इंसाफ आफ्ताब की तरह रोशन है, हम तुम्हारी शिकायत पर गौर करेंगे, बयान करो। हुजूर के हुक्म के मुताबिक मैंने मोती हासिल करके अमीर अबू कान के हवाले कर दिया, जिसके इनाम तक महरूम। मुरादा फरमाइए, इस रसीद पर वजीर आजम के दस्तखत मौजूद हैं। तमाम दुनिया का हुस्न सिमट कर इस नौजवान में जमा हो गया है, जिसे देखकर मेरी निगाहें खूबसूरत हो गई। जिसने तुमसे मोती लिया है वही तुम्हें इनाम भी देगा, क्या यही हुजूर का इंसाफ है? हद से ज्यादा मेरा शिमू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो तारीखी मोती फिर चोरी हो गया है। मोती फिर चोरी हो गया? इसका मतलब यह है कि हवा भी चोरी करने लगी? ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरूर। हाँ कहो, क्या कहना चाहते? अब तुम जा सकते हो। फिर एक बार सुन लो, मोती वापस करने का जो इनाम हमने मुकर्रर किया है वो अभी तक बरकरार है। ये नौजवान क्या उस बकरी नुमा यूसुफ का बेटा हो सकता है? जरूर ये अपनी मां पर गया है।
फरियाद लेकर जुबान पर गमे दिल की रुदाद लेकर तेरे दर पे आया। मेरे दर्द दिल से नौजवान को मेरे हुजूर में पेश किया गया। मैं कुछ पूछना चाहते हैं जो कुल सरकार। ए! तुम्हें शहजादी आलम ने अपने हुजूर में तलब किया है। मुझे? हाँ हाँ तुम्हें, आओ मेरे साथ। हमारे अब्बा हुजूर और वजीर आजम से कुछ शिकायत? शिकायत ही नहीं बल्कि मुझे उनसे बहुत बड़ा गिला भी है। लेकिन मलका हुजूर, मुझे आपकी नरम और नाजुक निगाहों से कोई शिकवा नहीं। अगर ये नजर का धोखा नहीं तो हमारी आंखें भी तुम्हारे अंदर शहजादों की शान देख रही है। ये क्या? तुम्हारा इनाम जिसके तुम हकदार। पूरे आसमानी, आपके बेमिसाल हुस्न जमाल और चांद से चेहरे की झलक देख लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन इस बदनसीब हुस्न का सौदा मराकश के शहजादा हैदर के साथ हो चुका है, जो अपनी जिंदगी की आधी से ज्यादा मंजिलें तय कर चुका है। शिव, वतन और शाही इज्जत के नाम पर हमें अपने जज्बात कुर्बान करना पड़ते हैं। हम अपनी मर्जी से किसी से मोहब्बत भी नहीं कर सकते। ये ना इंसाफी है मलका। मोहब्बत का जज्बा जितना हसीन और नाजुक है उतना ही तूफान अंगेज भी है। मोहब्बत का जज्बा वाकई हसीन, और तुम्हारी जबान से तारीफ सुनने के बाद तो और भी हसीन हो गया। मजबूर, बेशुमार दौलत और अंधी ताकत के हाथों दिया हुआ तोहफा वो मोती हमारी मम्मी की निशानी। फिर तो मोती के गुम हो जाने पर आपको खुश होना चाहिए, आप परेशान क्यों हैं? हम अपने लिए नहीं अपनी रियायत के लिए परेशान हैं। अगर नया चांद निकलने तक वो तारिश ही मोती ना मिले
तो शहजादा हैदर आंधी और तूफान की तरह हमारे शहर पर टूट पड़े। कसम है उस पाक परवरदिगार की और अपनी तलवार की, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। आप हमें हुक्म दीजिए, जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा भी बाकी है, शेरगंज के ईद भी न करने देंगे। मैं और मेरे साथी उस जालिम के अरमानों को उसी की कब्र में दफन कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत पर हजार आते, बेशक तुम्हारी रगों में एक बहादुर खून दौड़ रहा है, लेकिन तिनके का तूफान से और शीशे का पहाड़ से मुकाबला नहीं हो सकता। अब बहादुर मजबूर है, बेबस। वो जानते हैं शेरकन की छोटी सी फौज शहजादा हैदर की ताकत के सामने न थे। तब तुम मोती लौटा देना चाहिए। तुम जानते हो वो मोती कहाँ है? कसम है आपके हुस्न जमाल की, पर खुदा मैं नहीं जानता। वक्त सांप बनकर करीब आ रहा है, जल्द से जल्द उस मोती की तलाश करो। जमीन आसमान एक कर दो, शहर का कोना कोना छान डाले, वतन के लिए, काम के लिए, हमारे लिए शेर। अपनी शहजादी के लिए मैं जान की बाजी तक लगा दूंगा। तुम कुछ भूलते नहीं गए? मेरा मतलब था ये अशरफिया। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। जब तुम मोती लेकर आओगे, मैं धड़कते से दिल के साथ तुम्हारी इस गुस्ताखी का इंतजार करूंगा। शुक्र है कि तुम सही सलामत लौट आए। जब तक किस्मत धोखा ना दे, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब्बा, शकीला जमीला चीकू, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? अगर अपनी जवान आंखों से देखो, कहीं मेरी पूरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? अरे वारे मेरे मिट्टी के शेर, आखिर 5000 अशरफिया बादशाह तो ले ही आया। जवानी कसम, आखिर मैं तू भी तो कुछ है। बादशाह ने तो 5000 पत्थर के टुकड़े भी नहीं दिए। ये इनायत तो शहजादी गुलनार की है, जिसे देखो तो ख्वाब, सुनो तो शहनाई। शहजादी गुलनार? हाँ, गुले अनार। सच कहता हूँ जमीला, उसके लबों पर तबस्सुम, आंखों में बिजलियां, दिल में मोहब्बत, निगाहों में प्यार, सिया बालों में चांद सा चमकता हुआ चेहरा। अंगड़ाई लेती है तो दोनों जहान पागल हो जाते हैं। कदम बरसाती नारे की तरह जबान बंद कर। अरे अदा मस्ती भरी, आंखों में मस्ती, चाल मस्ताना, वो मस्ते नाज है, सता कदम तस्वीर मैं खाना। तेरा सर फिर गया है, मैं कहता हूँ होश की दवा कर, ख्वाब में मिले हुए अंडे से मुर्गी पैदा नहीं होती। कुछ भी कहो, कितनी अजीब घड़ी थी वो। सच कहता हूँ अब्बा, मैं बहुत जल्दी उससे फिर मिलूंगा। ख्वाब में? नहीं अब्बा, मैंने शहजादी से वादा किया है कि वो मोती ढूंढकर जरूर शहजादी के हुजूर में पेश करूंगा। मोती? कौन से मोती? ओ हाँ, ये तो मैं कहना ही भूल गया, मोती फिर चोरी हो गया। मोती फिर चोरी हो गया? अरे वारे शेरकंद, तेरा नाम तो शेरकंद के बदले चोरकंद होना चाहिए। अब्बा, मैं जानता हूँ वो मोती किसके पास है। किसके पास है? हमारे मेहरबान वजीर अबू खान के पास है। वो झूठ कहता कि मोती चोरी हो गया। अब देखना मैं किस सफाई से मोती उड़ाता हूँ। और फिर तुम उसे शहजादी को दोगे, और शहजादी बदले में तुम्हें अपना दिल देगी, और तुम जैसे एक हकीर फकीर चोर से मोहब्बत करेगी। माफ कीजिए कोतवाल साहब, ये अंडा किसने फेंका है? निशाना चूक गया है, इत्तेफाक से आपके मुंह पर लग गया। मैं पूछता हूँ ये बदतमीजी किसने की? किसने फेंका ये अंडा? खुदा बेहतर जानता है। मैं कहता हूँ ये अंडा किसने फेंका है, बताओ नहीं तो। जी
ये कसूर मुझी से हुआ है तो मुझसे हुआ है। अभी तेरे बहादुर की बहादुरी निकालता हूँ। ये गंदी ड्रेस से इसका कुछ ना होगा। इसके लिए तो पानी डंडा चाहिए। अरे ओ चमगादड़, खुदा के लिए अपनी चोंच बंद कर। तुम मारते मारते थक जाओगे लेकिन शिवू मार खाते खाते नहीं थकेगा। अगर जख्मी ना हो तो और जोर जोर से मार कर आज मार। अब देखता हूँ इसके पेट का पानी बोलता है या नहीं। खुदा का शुक्र है शिमू जो हम यहाँ मौजूद हैं। मैं अभी शैतान का मुंह बंद किए देता हूँ। बेवकूफ, तो से दाना दुश्मन। अच्छा हट जाओ मेरे सामने से। ओहो, तुम तो वाकई खबर मालूम होते हो। अच्छा जाओ, तुम भी क्या याद करोगे। चीकू ने तुम्हें माफ कर दिया है। तुमने मुझे माफ कर दिया? अच्छा तो तुम चीकू को माफ कर दो। चीमू, तुम जानते हो चीकू तुम्हें प्यार करती है। तुम भी चीकू को प्यार करते हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम शहजादी गुलनार को चाहते हो? शहजादी गुलनार को चाहता हूँ। ये बात है तो चीकू तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। चीकू हमेशा हमेशा के लिए। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम्हारे बगैर तो मैं कदम भी नहीं चल सकता। हम दोनों साथ साथ रहेंगे और साथ ही खजाने में दाखिल होंगे। तो तुम चीकू को चाहते हैं ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तब तो चीकू तुम्हारे साथ रहेगी। चीमू, चीमू, ओ जवानी का दम आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। बेटे वो दवा मेरा ही है खजूरों में कि खाते ही बतखों का गला घिसे हुए जूते का तला बन जाएगा। जी अब्बा, आप खजाने वाली बतखी चीख पुकार ना कर सकेंगे। हरपन मौला हुआ हरपन मौला, लेकिन उस चीकू का क्या होगा अगर उसने खजाने की अशरफियाँ देकर हाथ पांव फैला दिए तो? इतनी चीजें तो ला दी, अब क्या हाथी घोड़ा लेगी चीकू? ये चीकू की क्या बात हो रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। लेकिन ये हाल क्या बना रखा है? तुम्हारे वो नए कपड़े क्या हुए? चीकू को शकीला जीने ही नहीं देती। कैसे फिर नहा? चीकू कोई मेंढकी जो हर रोज नहाती रहे? चीकू ने कहा नहीं नहाती। जमीला बोली उतार दे कपड़े। चीकू ने कपड़े उतार कर उसके मुंह पर फेंक दिए। सुनो चीकू, आज हमें खजाने से दावत आई है, तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। लेकिन चीकू को क्या मिलेगा? जो तुम चाहो, मिठाई, खिलौने, कपड़े। कान खोल कर सुन लो, खजाने में पहुंच कर चीकू जितनी अशरफियां उठा सकेगी उठा लेगी। नहीं नहीं, ये डाका है, ये चोरी है। तुम कौन सा हद करने जा रहे हो? मेरा मतलब है कि इल्म हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो उस्ताद को नजर करना चाहिए। चाचा, अपना इल्म अपने ही पास रहने दो, और कुछ जरूरत पड़े तो चीकू से सीख लेना। चीकू का बाप मराठा का सबसे बड़ा चोर है। चीकू, तुम अभी भोली हो, नादान हो, कमसीन हो। जवान आदमी के हाथ में दौलत का देना बंदर के हाथ में तलवार देने के बराबर है। चीकू को दौलत चीकू के लिए नहीं, चीकू के बाप के लिए चाहिए। तुम्हारा बाप कहाँ है? मराठा की जेल में। चीकू जेल के दारोगा को छुरा देकर अपने बाप को छुड़ाएगी। क्यों बेचारे को खामखा जेल से छुड़ा रही हो? फिर पकड़ा जाएगा, उसे वही आराम से रहने दो। अब्बा, तुम्हारी आवाज तो सचमुच बैठ गई। अब बाथरूम की कोई फिक्र नहीं। आखिर इन हाथों में कितनी अशरफियां आ सकेंगी? मुट्ठी तो मुट्ठी उठा लेगी तो क्या होगा? चलो अब्बा, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। क्यों यार, दिव्या दाना चोंच में दबाकर उड़ना चाहती है? तीनों के तीनों जा रहे हैं, धुरुक दाल में कुछ काला है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमसे बचकर कहाँ जाएंगे? हम भी चूहे के पीछे बिल्ली की तरह दबे पौने का पीछा करेंगे। तो फिर जल्दी करो, अंधेरा उनकी मदद पर है। अबे हमारे पास भी उल्लू की आंखें हैं, ये हमें धोखा न दे सकेंगे।
होशियारी से पहरा दो, खबरदार मसलत न होने पाए। जी नहीं सरकार, बंदा हुक्म का गुलाम। और देखो बच्चों को एक ही वक्त दाना दिया करो, ये भूखी रहेंगी तो शोर मचा मचा कर तुम्हें होशियार करती रहेंगी, समझे? बहुत अच्छा सरकार। यही है वो रोशनदान, तुम इस पर से जा सकोगी ना? कौन, चीकू? हाँ हाँ तुम। तुम कहो तो चीकू सुई के नाके में से निकल जाए। तुम कहो तो। बस बस बातें कम और काम ज्यादा। इधर देख, जैसे तुम अंदर जाओगी तो सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ तुम्हारी चीकू खड़ी। मेरा मतलब है सीधे हाथ की तरफ वो दरवाजा है। लेकिन इस वक्त ये चांद, शीमू, चीकू और ये चांद। ऐसा बोल, देख अंदर जाते ही दरवाजे की कुंडी खोल देना, और बहुत कम है, काम ज्यादा है, पहरा बदलने वाला है। अच्छा, काम होने के बाद? हाँ हाँ, जो कहेगी वही करूँगा। चल चल। चीकू बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। अरे ये चाहे तो आंखों के आग से दिल में उतर सकती है। जवानी कसम, अगर मैं भी तो कुछ हूं। अब्बा, ये दौलत जैसे हम चोरी करने आए हैं, ये तो रियायत की अमानत है। बेटा इसे अमानत न कहो, ये रियायत के रगों का निचोड़ा हुआ खून है। लेकिन आज हमें इसकी जरूरत है। दौलत का बगैर ताकत और ताकत का बगैर हुकूमत हासिल करना मुश्किल है। बस जिस दिन तुम्हें तख्त पर बिठा दे, रियायत की अमानत रियायत को लौटा देना, ठीक है? क्यों हाथ से निकली जा रही हूँ मेरी सुनहरी मछलियों? तेरे तो अब्बा इतनी काफी होंगी चीकू के लिए। चीकू, 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 ये लो अपना हिस्सा, दो मुठिया तुम भी भर लो। शुक्रिया, चीकू को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बाप रे, ये थैली है या थैला? तुम इतना बोझ उठा लोगी? क्या समझा है तुम लोगों ने चीकू को? ये औरत है या बैलगाड़ी? बंद करना ना भूलना। और तुम भी चीकू को अकेला छोड़कर ना चले जाना, खुदा की कसम शोर मचा दूंगी। अरे चीकू की टोपी। अरे टोपी गई जन्नू में, सच कहता हूँ ये हमें वहां मरवाएगी जहां पानी भी ना मिले। Thank you.
को इश्तेदार। इश्तेदार? तुम अंदर खजाना लूट रहे थे, हम बाहर पहरा दे रहे थे। हमारी जुबान बंद करना चाहते हो तो आधा माल बांट दो, नहीं तो अब भी मौका है, एक आवाज पर पूरी फौज टूट पड़ेगी। दलील कमीने। शुक्रिया शुक्रिया भाई, हमें लालची ना समझना, ये माल हम अपने लिए नहीं अपने साथियों के लिए ले जा रहे हैं, वक्त आने पर बेचारे हमारे तुम्हारे काम भी तो आ जाते हैं ना। क्यों भाई? ठीक है ठीक है। इतनी थैलियां क्या करोगे बेगम, तुम भी अपनी एक थैली दे दो, कोई हल्का हो जाएगा। नहीं, चीकू तुम्हें कुछ नहीं देगी। चार थैलियां 100-100 दिनार की। चार थैलियां 100-100 दिनार की। अरे मिर्जा, इन थैलियों का मुंह कैसे खुला हुआ है? मैं कहता हूं खजाना चोरी हो गया। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन, जहां रिश्तों में गुजर भी नहीं हो सकता। मैं कहता हूं ये किसी का भी आना नामुमकिन है। मगर आज नामुमकिन मुमकिन हो गया है, जरूर सुई के सुराख से कोई ऊंट निकल गया है। तुम सब के सब कहां मर गए? मैं कहता हूं मैं अकेला क्या देखूं, हिसाब देखूं, किताब देखूं, थैलियां गिनूं या ताला बंद करूं, और एक वक्त तो मैं मर गया तो तुमको कौन संभालेगा? मिर्जा पहले अपनी फिक्र करो, शाही हुक्म मिलते ही सबसे पहले मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन का खैर मकदम करेगी। इस तरह आसानी से खजाना चोरी हो जाना कोई मजाक नहीं। ऐसा महफूज खजाना किस तरह चोरी हो सकता है? यही तो वो राज है जो अभी तक हल नहीं हो सका अलीजा, कि वो कौन सा ऐसा जियाला और शातिर चोर था जो चीखती हुई बदखो और होशियार पहरादारों को धोखा देकर खजाने में दाखिल हो गया। खुदा की कसम अगला हैरान है, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता अलीजा। मुमकिन है चोर छत के दरवाजे से खजाने में दाखिल हुआ हो? छत का दरवाजा पूरी मजबूती के साथ अंदर से बंद था और अभी तक उसी तरह बंद है। ऐसी हालत में तुम्हें जिन जिन लोगों पर शक हो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लो। हुजूर अब्बा, खजाने के चोर को गिरफ्तार करने से पहले क्या ये जरूरी नहीं कि हम अपनी पूरी कोशिश सर्व करके उस तारीखी मोती के चोर को गिरफ्तार करें? अगर वो मोती ना मिला तो शेरकन दुश्मन की तोपों से धुएं के बादलों की तरह उड़ जाएगा, फिर ना खजाना बाकी रहेगा और ना खजाना चुराने वाले चोर। अजीज शहजादी का इरशाद बजा है, लेकिन मोती को वापस करने के लिए ही खजाने के चोर को गिरफ्तार करना जरूरी है, क्योंकि मोती का चोर और खजाने का चोर ये दोनों एक हैं, और वो है चोरों के सरदार का बेटा शीमू। अगर शीमू ये खजाने का चोर है और मोती भी उसी ने चुराया है तो यकीन रखिए ये दोनों चीजें वापस हो सकती हैं। अगर आलीजा उनकी वापसी के लिए ऐसे इनाम का ऐलान कर दे जो शीमू को पसंद हो। कौन सा इनाम शीमू को पसंद आएगा, 10,000 दीनार या 10 गांव की जागीर? नहीं, शायद वो ये कुछ भी पसंद ना करे। फिर क्या पसंद करेगा? शादी के लिए आपकी गुलनार का हाथ। शहजादी, क्या तुम अक्ल होश खो बैठी या तुम्हारे दिमाग में घुन लग गया? क्या दर रोज जवाहरात में खेलने वाली गुलनार गंदगी में रेंगते हुए कीड़े के इंतखाब करेगी? एक आवारा और बदमाश चोर को अपने शौ बनाना पसंद करेगी? आलीजा, ना मेरे दिमाग में खून लगा और ना मैं अक्ल होश खो सकी, लेकिन मैं उस शख्स से शादी करना हरगिज पसंद न करूं जिसका बाद बाद में दिमाग खराब हो जाए, जो सिर्फ के फकीर अंडे के लिए खुदा के हजारों बेगुना बंदों का खून बहाने के लिए तैयार हो जाए। मैं ऐसे जालिम हुक्मरान के बदले शिवू को ज्यादा पसंद करती हूँ जो जवान है और खूबसूरत है। शहजादी की ये जिद शायद हमें ऐलान करने पर मजबूर कर देगी कि मोती वापस लाने वाले का इनाम है शहजादी गुलनार का हार। और उसके बाद? उसके बाद देखा जाएगा। का हुकूमत सुल्तान आलम सिकंदर।
अंदर जा। आला हजरत शहंशाह मुस्तफा की शाही फरमान के मुताबिक ऐलान किया जाता है कि जुमा की रात को मरियम सानी, जुलेखाए जवानी, मलकाए बहार, शहजादी गुलनार अपनी सहेलियों और करीजों के साथ शाही बाग में रौनक अफरोज होंगी। उस वक्त महल और बाग के सारे पैरे उठा दिए जाएंगे। लिहाजा जिसके पास वो गुमशुदा मोती हो बेखौफ खतर शहजादी आलम के हजूर में पेश कर सकता है। इसके सिले में शरीयत के मुताबिक उसका निकाह शहजादी गुलनार से कर दिया जाएगा और उसे दरो जवार से माला माल करके शेरकंद का सबसे बड़ा अमीर बना दिया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? वजीर अबू कान से मोती हासिल करने के लिए इस लोहे के टुकड़े को जिंदगी दे रहा हूँ। क्या हम लोग अब खजाना लूटने नहीं चलेंगे? अबू कान से मोती मिलते ही खजाना लूटने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम समझते हो मोती वजीर अबू कान के पास है? यकीनन, मैं जानता हूँ वो मोती सिवाय अबू कान के और किसी के पास नहीं। चीकू भी तुम्हारे साथ चले? नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। इस खंजर की नोक अपने गले पर देखते ही अबू कान मोती मेरे हवाले कर देगा। और तुम तो शहजादी गुलार को दोगे और शहजादी गुलार अपने खोखा पहरेदार से तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा देगी। शहजादी अपना वादा यकीनन पूरा करेगी। वो जानती है अगर मोती वापस ना किया गया तो शहजादा हैदर शेरकन पर हमला कर देगा। उसे अपनी बेगुनाह रियाय की तबाही का पूरा एहसास है। चीकू इतना जानती है कि तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहे हो। तुम उस खाई को नहीं देखते हो जिस पर फरेब के फूल बिछा दिए गए हैं। ये फरेब है, धोखा है। धोखा? शहजादी मुझसे धोखा क्यों करेगी? इसलिए कि एक शहजादी तुम जैसे चोर लुटेरे के साथ शादी नहीं कर सकती। कौन चोर कौन लुटेरा? जंगली औरत, अगर ये गुस्ताखी किसी और ने की होती तो मैं उसकी जबान ही खींच देता। अब्बा, जानती हो ये क्या है? ऐसा निशान चीकू ने शाही महल के दरवाजे पर देखा है। अरे चीकू, ये क्या काम कर रहे हो? खुदा के लिए इसे छुपाओ। ये है शेरकंद का शाही निशान जो पैदा होते शहजादे के बाजू पर बना दिया जाता है। ये क्या कह रहे हो शिमू? अब्बा, चीकू से बता दो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हमारी कहानी क्या है, तुम्हारी मेहरबानी क्या है। मगर वो अगर मगर कुछ नहीं अब्बा, चीकू गैर नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, इसे बताने में कोई हर्ज नहीं। एक अरसा हुआ जबकि मैं मासूम शिमू को कत्ल करने के लिए तलब किया गया था ताकि इसका चचा मुस्तफा शाही तख्त का हमेशा के लिए मालिक बन जाए, लेकिन लेकिन रहमदिल यूसुफ ने अपने बच्चे की तरह मेरी परवरिश की। तब तुम्हें? हाँ, मैं ही हूँ शेरकान का वली अहद शहजादा मुराद। चीकू शीमू से अकेले में कुछ कहना चाहती। भोले चीकू, जो कुछ तुमने देखा है और सुना है उसे ख्वाब की तरह भूल जाओ। समझना कि मैंने कुछ कहा नहीं और तुमने कुछ सुना नहीं। कहो चीकू, क्या कहना चाहती है? वो मूर्ति चीकू के पास है। तुम्हारे पास? चीकू ने दुकान की जेब से मोती चुरा लिया था। ये लो। लेकिन तुम मुझे क्यों देना चाहती हो? इसलिए कि तुम एक शहजादे हो और तुम्हारी शादी एक बदनसीब बरदना औरत के साथ नहीं होनी चाहिए। चीकू, Yeah.
चोर सचमुच मोती लेकर आ जाए तो क्या होगा? मेरे से डर के मारे जान निकली जाती है। मेरे से चोर बड़े बदसूरत होते हैं। पगली, क्या तुमने शिमू को नहीं देखा? देखा तो है हजूर, मगर उसकी जगह मोती का चोर कोई और हुआ तो मन कहे खबरदार जो ऐसी बात फिर मुंह से निकाली। मेरे साथ तू ही दुआ कर, जो शिमू के सिवा और कोई ना हो। मेरे दिल का चोर है मोती का चोर। शिमू शहजादा बनने जा रहा है। मेरी 18 साल की मेहनतों का फल मिल रहा। आपके एहसान नहीं भुलाए जा सकते अब्बा। अगर आप ना होते तो आज शिमू भी इस दुनिया में ना होता। मैं कुछ भी बनूं अब्बा, आपके लिए हमेशा शिमू ही रहूंगा। आज तक तुम एक अच्छे बेटे रहे हो और अब एक अच्छे शहजादे बनोगे। जाओ, कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मैंने ही ऐलान किया था। फिर तुम्हें मेरे बाग में आने की जुरत कैसे हुई? बोलो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐलान के बावजूद मेरे बाग में सिपाही क्यों छिपाए गए और ये साजिश किसके इशारे से हुई? आलीजा के हुक्म से। आलीजा? आलीजा से हुक्म कभी नहीं दे सकते। उन्हें अपने तख्त और ताज की इज्जत का ख्याल, हमारे वादे का बात, वो रियाया के साथ धोखा नहीं। ये धोखा नहीं सियासत है शहजादी साहिबा। मोहब्बत और जंग में दुनिया का हर फैल जायज समझा जाता है। लेकिन इंसाफ नहीं। बादशाह का हुक्म ही इंसाफ है और आपको भी इस हुक्म का इहतराम करना चाहिए। छोकरी, बता दो मोती कहाँ है? टीकू के पास कोई मोती नहीं है। खाखान, इसे हवालात में ले जाओ। जब तक ये मोती का पता ना बताए, कोड़ों की मार से इसकी खैर उतार लो। हर सजा, हर जुल्म को काम में लाओ। कहाँ है तुम्हारे वसा साथी? चीकू को सिपाहियों ने पकड़ लिया है। मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। अजीज दोस्त, प्यारे रिश्तेदार, तुम्हारे हुक्म पर तुम जान तक देने को तैयार है। तो फिर आओ। कहाँ आओ, कहाँ जाओ? खाली पेट मौत के मुंह में जाना हमारे उस्ताद ने नहीं सिखाया है। मैं तुम्हें 5,000 अशरफियां दूंगा। 5,000 अशरफियां? तब तो हमारे फरिश्ते भी तुम्हारा साथ देंगे। नेक काम में देर किस बात की? बिस्मिल्लाह कीजिए। Thank you.
सही सलामत है। बेटा मेरा सर बड़ा कीमती है, सिपाही तो इसे हराम में लेना चाहते थे मगर मैं मुफ्त में देने वाली आसामी कहाँ करवा दो, मैं भी तो कुछ हूँ। अब्बा अब हमें सिर्फ ताकत से नहीं अकल से भी काम लेना होगा। सिपाही तो सच्ची मच्छियों की तरह बेसुमार है, वो तो हमें रोज रोज के हड्डियों का ढांचा बना देंगे। अबे रोता क्यों है, सुनो भाई अपना हिस्सा अपने पास रखो, 5,000 के लिए अपनी लाखों की जान मुफ्त में कौन दवाएगा। क्यों भाई नहीं आती, वक्त नाजायज फायदा खाना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें 10,000 अशरफियां दूंगा। दिल तो कहता है ना मगर हाथ कहता है हाँ, कसम खुदा की मैं लालची तो बिल्कुल नहीं हूँ। अरे भाई दोस्ती के लिए तो दुनिया में सभी कुछ करना पड़ता है। क्यों भाई हम किसी तंग रास्ते से उन पर हमला करेंगे। अपनी जान खतरे में डालो, भाग जाओ यहाँ से। चीकू नहीं जाएगी। हमारे साथ यहाँ चीकू चीकू चारों तरफ से सिपाही आ रहे हैं। अब्बा आओ मेरे पीछे।
दिया कितनी प्यारी माल को। मेरा झूठ मार के नहीं जान बचाने का, दौड़ो सिपाही आ रहे। अरे यार सिपाही तो रोज ही आते हैं। अरे मेरा पहले जान फिर जहां ऐसा तो पहले सोने के से माफी दिलवा दूंगा। लाओ इसे मैं अपने आका अपने शहंशाह की खिदमत में पेश करूंगा। तुम इसे अपने आका अपने बादशाह को देना चाहते हो ना? हाँ हाँ। आका हमारे बादशाह, ये मोती तुम्हें मुबारक हो। गुमराह दोस्तों, यही है शेरकन का सच्चा बादशाह, यही है तुम्हारा शहजादा मुराद। जिसे पागल लड़की, ये क्या कह रही हो? हमारा शहजादा मुराद तो 18 साल हुए कत्ल कर दिया गया था। वो कत्ल नहीं किया गया था। मगर इसका सबूत? इसका सबूत वो कातिल है जिसने बेटे की तरह शहजादे की परवरिश की, जो बाप बनकर आज तक इसकी कामयाबी और फतेह के लिए दुआएं मांगता रहा। कौन है वो? मैं, आपको यूसुफ, जिसने शेरकंद की अमानत को अपने खून से सींचकर परवान चढ़ाया। तुम्हारी शक्ल हमारे मरहूम बादशाह से मिलती जुलती तो है। मैंने अपनी जवानी के सुनहरे दिन उन्हीं की खिदमत में गुजारे थे, मगर तुम्हारे पास इसका और क्या सबूत है? सबूत? शायद मेरा यह बाजू उसकी गवाही दे सके। शाही निशान? मगर यह निशान तो बनावटी भी हो सकता है। मैं तुम्हारे सीधे हाथ की हथेली देखना चाहता हूँ। क्या? बचपन में शहजादा मेरी तलवार से एक दिन खेल रहा था कि खेलते खेलते उसका हाथ जख्मी हो गया। मैं उसी जख्म का निशान देखना चाहता हूँ। जख्म का निशान? ये क्या, बेशक तुम वही हो। आंखों देखी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। आलमपना, वो नाम आपको कोर्निश बजा लाता है। बहादुराने शेरकन, कसम है मुझे पाक परवरदिगार की और अपने ईमान की, हमारे मरहूम सुल्तान का जायद वारस और सही जानशीन यही शहजादा है। बहादुरों, जो तलवारें तुमने अपने आगा के खिलाफ निकाली थी, उन्हें अब्दाल मुस्तफा के मुकाबले में खड़ी कर दो। फतेह तुम्हारे कदम चूमेगी, खुदा और ईमान तुम्हारी हिफाजत करेगा। शहजादा मुराद जिंदाबाद।
अंदर आ सके। भाइयों और दोस्तों, ये नौजवान यूसुफ का बेटा शीमू नहीं बल्कि हमारे मरहूम बादशाह शाही अरसलान का फर्जंद है, जो शेरगंज की सल्तनत का सच्चा वारिस और अपने बाप से सही जानशीन मुस्तफा ने धोखा से शेरगंज की हुकूमत पर कब्जा कर रखा है। वो 20 साल से मुल्क कौम से गद्दारी कर रहा है, आज हमें उसके जुल्मों से तुमका बदला लेना है। चलो शाही महल पे हमला कर दो। जालिम मुस्तफा, भाई ईश्वर बोल क्या सर, सिपाही महावीर नकी चौधरी ये सब कहां मर गए? शाबाश महाफिज, शाबाश, हम तुम्हारी कारगुजारी से बहुत खुश हुए। लेकिन तुम इन दोनों बदमाशों को यहाँ क्यों ले आए? इन्हें हवालात में ले जाओ, मैं कोड़ों की मार से इन दोनों की तीखी खार खींच लूंगा। ले चलो इन्हें। बहुत अच्छा हुजूर। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे। ए, ए, नमक हरामो, मुझे नहीं, उस चोर को पकड़ो, उस चोर के बाप को पकड़ो। खबरदार, अगर हमारी बादशाह की शान में गुस्ताखी की तो तुम्हारी नापाक जबान तारों से खींच ली जाएगी। हमारे बादशाह ये शहजादा मुराद, हमारे मरहूम बादशाह शाही अरसलान के फर्जंद। नमक हरामो, तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। शाही अरसलान का फर्जंद 18 साल पहले मर चुका है। नहीं, वो जिंदा है। आपने मेरे हाथों उस मासूम को मार डालने का पूरा इंतजाम कर दिया था, लेकिन खुदा ने उसे अपने फजल और करम से बचा लिया। क्या सबूत है इसका तुम्हारे पास? शेरगंज का ये शाही निशान। दलाबाद शरीफ कमीने, गरीबों की हड्डियां चूसने वाले, रियाया का खून पीने वाले, मासूम शहजादे के गले पर खंजर चलाने वाले दगाबाज दलील और कमीने हम नहीं, आप हैं। रहम रहम बादशाह मुराद, मेरे फर्जंद, मैं अपनी गलतियों की माफी चाहता हूँ। मैं अपने ऐलान के मुताबिक शहजादी गुलनार को तुम्हारी मलिका बनाऊंगा। शहजादी गुलनार को हाजिर किया जाए। मेरे अजीज शहजादे, मेरे पसंदीदा शीमू। शहजादी गुलनार, मैंने तुमसे एक वादा किया था, यानी ये बेशकीमत मोती अगर मुझे मिल गया तो इसे तुम्हारी नजर करूंगा। और हुजूर अगर चाहें तो इसे मंगनी के तोहफा के तौर पर मुझे नजर कर सकते हैं। तुम्हारी मंगनी शहजादा हैदर के साथ हो चुकी है, अब तुम उसकी अमानत हो और मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं करना चाहता। लेकिन हमारी मोहब्बत। मोहब्बत क्या चीज है? बहादुर वो है जो मुल्क और कौम की भलाई के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। हमें शेरकन की सलामती के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी होगी, और मुझे यकीन है कि तुम भी जिस रियाया को आज तक अपनी रियाया समझती रही उसकी सलामती के लिए अपनी तमाम आरजुओं को कुर्बान करके शहजादा हैदर के पास जाना मंजूर कर लोगी। आलीजा का हुक्म सर आंखों पर, मगर आप मुझे तमाम दुनिया का काम देकर रुखसत करना चाहते। मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है वही तो अपने लिए भी रख लिया है शहजादी। आंसुओं को सब्र कर लो गुलनार, कहीं तुम्हारी भीगी हुई पलकें देखकर मुझसे सब्र का दामन ना छूट जाए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मुझसे रुखसत होकर इस तरह जाओ जिस तरह बहन भाई से विदा होकर अपने शौहर के घर जाती है। महाफिज, शहजादी गुलनार को शाहाना शाहाना शौकत के साथ ले जाओ, और शहजादा हैदर की अमानत शहजादा हैदर के हवाले कर देना। और आलीजा, अब मैं अपनी तमाम रियाया के सामने अपना कातिल समझते हुए भी हुजूर को माफ करता हूँ। रियाया का गुस्सा कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए, इसे दरखास्त करता हूँ
कि आप इस मुल्क से हमेशा के लिए चले जाएं। फरजन, जान बख्शी के एहसान ने इस गुनाहगार को नदामत के आंसे में डुबो दिया। हुजूर को खुदा निहाल कर दे, दुश्मन को पामाल कर दे और मुझे माला माल कर दे। हुजूर, इस खुशी के मौके पर हम दोनों गरीब कुछ मांगना चाहते हैं। इजाजत है, मांगो, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ही मांगना। एक छोटी सी नौकरी चाहिए हुजूर, खजाने के मुहाफिज की। माफ करना चाहता हूँ, ये पहला गुनाह है। अब नहीं करेंगे, इस रास्ते में कभी नहीं जाएंगे। खजाने के मुहाफिज की जगह तो मैंने यूसुफ के लिए सोची थी। यूसुफ तो अब बूढ़ा हो गया है आलीजा। बूढ़ा तेरा बाप। और यूसुफ का मुहाफिज कौन होगा आलीजा? मैं और चीकू। अगर हम दोनों भी तो चोर है। चीकू, चीकू, शहजादा मुराद का हुक्म कि आपको शाही हमाम में नहला धुला कर कीमती पोशाक पहना कर देवर से सजा कर आला हजरत की शादी में शरीक किया जाए। आप लगे इस शादी को, टीकू किसी की शादी पे हमें नहीं जाएगी। टीकू अपने वतन जा रही है, टीकू किसी के बाप के नौकर नहीं है। तो फिर हम गुस्ताखी और बेअदबी की माफी चाहते हैं। शहजादी गुलनार और उसका बाप तो शेरकन से रुखसत कर दिए गए हैं। तो फिर तुम शादी किससे कर रहे हैं? दुनिया की सबसे खूबसूरत गुल बदन, गुंचे दहन, सर्व चमन, सीम तन शहजादी चीकू से। चीकू से? हाँ। आलम पना, खाजे साहब और गवाह हाजिर हैं, निकाह की इजाजत हो। बिस्मिल्लाह। चिकू, मेरा हाथ। अरे अब तो चोरी से बात आ जा। तू मलिका, मैं बादशाह, अब तुझे किस बात की कमी है? मेरे सरताज, मैं जिंदगी में आज पहली बार सच बोल रही हूँ, मैंने हार नहीं चुराया। तो फिर किसने चुराया? आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। आओ बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ। गरीबों की महफिल से आया था बुड्ढा, जवान हो गया है यहाँ बैठे बैठे।